सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत इससे पूर्व मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास का परिचय और उसके बाद प्रथम चौपाई और दोहा जो है उसका भावार्थ बताया था। आज हम दूसरी चौपाई और भावार्थ को देखेंगे। लक्ष्मण ने जब कहा कि हमने तो बहुत सारी धन हुई तोड़ी, तब तो आपने क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों है, तो इस पर बहुत क्रोधित होकर के परशुराम ने कहा कि ये शिव का धनुष है और तुम मूर्ख हो कि बच्चों का धनुष और शिव का धनुष तुम्हारे लिए एक समान है। इस पर लक्ष्मण भी कहा चुप रहने वाले थे। लक्ष्मण ने कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण ने हंस के कहा कि सुनिए ए स्वामी जी, ए देवता, ए ऋषि मुनि, हमारे हिसाब से सारे धनुष एक जैसे हैं और पुराने धनुष को तोड़ने से लाभ ही क्या मिलता और टूट ही गया तो नुकसान क्या हुआ। उनकी इस तरह की बातों को सुनकर राम ने आंखों के इशारे से ही लक्ष्मण को चुप रहने को कहा, लेकिन लक्ष्मण चुप नहीं रहे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। छूते ही टूट गया इसमें रघुपति अर्थात राम जो हैं, रघुकुल के जो स्वामी हैं रघुपति राम, उनका कोई दोष नहीं है। आप तो मुनि जी बिना मतलब ही बहुत क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अब एक देखो, परशुराम इतने क्रोध में हैं कि लक्ष्मण ने सीधा कह दिया कि राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें अब लगने लगा है कि लक्ष्मण ने ही ऐसा काम किया है। उन्होंने अपने फरसे को सुधारा और कहा, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं। बालक बोली बधो तो ही नाही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैंने अब तक बच्चा समझ के तुम्हारा वध नहीं किया है, तो तुम क्या मुझे निरा मुनि साधु समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मुझे क्षत्रियों से बैर है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। मैंने अनेकों बार धरती को राजाओं से हीन कर दिया, यानी धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया, और विपुल बार मही देवन दिन्ही, और धरती देव मही के देवता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दान में धरती दे दी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलोक मही कुमारा। ए राजा के पुत्र, सहस्र बाहु नामक जो राजा था, राक्षस था, दैत्य था, उसकी भुजाओं को काटने वाला, हजार भुजाओं वाले, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, मेरे इस फरसे को देखो, तुम्हें भय नहीं होता। मातु पिता ही जन सोच वस करस महीस किशोर, अपने माता पिता के बारे में चिंता नहीं करते तुम। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, क्योंकि मेरा फरसा तो ऐसा है जिसमें माता के, इसकी आवाज मात्र से माता के गर्भ में जो शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और तुम्हें अपने माता पिता की चिंता नहीं होती है। पल भर में मैं तुम्हारा वध कर दूंगा और इसका कष्ट किसे भोगना पड़ेगा, तुम्हारे माता पिता को। ये बातें जो है परशुराम अपनी बड़ाई भी कर रहे हैं, अत्यंत क्रोध में भी हैं, और लक्ष्मण को वो दर्शाना चाहते हैं कि तुमने जो धन तोड़ दिया मेरे गुरु का, उसके लिए मैं तुम्हें दंड देने में सक्षम हूं। धन्यवाद।